हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है। मैं हूँ पुष्पांजलि चालिया। आज हम शेखी बाज मक्खी इस लेसन के प्रश्न उत्तर रिवाइज करेंगे, जो कि क्लास 3 हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन से ली गई है। अगर आपने कहानी को पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहानी का लिंक मिलेगा, उसको दबा के पढ़ सकते हैं। कैसी लगी कहानी? प्रश्न: कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर: हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया, इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। दूसरा प्रश्न: मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। उत्तर: मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती थी। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई, उसका घमंड चूर चूर हो गया। कहानी का नाम: अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर, लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी। शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। शीर्षक यानी कि टाइटल। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। ऐसा कोई शीर्षक सोचो जो कि किसी पात्र यानी कि लोमड़ी, मक्खी या शेर के बारे में ना हो। हाँ, उसमें घटी घटना के बारे में हो सकता है। कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सर नीचा, घमंड का नतीजा। मक्खी बहुत ही घमंडी थी, उसका नतीजा उसको जो मिला अंत में हमें यह भी पता चल गया था। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या काम करते हो? यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जगाने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ, मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। दूसरा प्रश्न: मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते ऊब जाता। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो कहानी के स्टाइल में आपको लिखना है, आप अपने आप को शेर मान लीजिए और आपके साथ लोमड़ी ने जो किया, मक्खी ने जो किया वो बताना है। बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिन-भिना कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे लगने से कई जगह से घायल हो गया, मेरा बुरा हाल हो गया। बहन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? नेक्स्ट प्रश्न: शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सलाद व फल खाते हैं। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा सकता है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। मीन्स इस कहानी, इस पिक्चर को देखो, एक शेर बैठा हुआ है, यहाँ मक्खी कुछ बोल रही है। तो मक्खी क्या बोल रही होगी?
मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। फिर शेर कुछ कहता है। शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती बस। अब हाथी कुछ और हाथी से मक्खी बोल रहे हैं कि मक्खी बोले कि हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो। अब लोमड़ी से मक्खी बोल रही है कि लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई। लोमड़ी बोली, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। क्या हुआ कि जब मक्खी ने मकड़ी की खबर लेने के लिए मकड़ी के पास गए तो वो जाल में फंस गई, और वो जितना उड़ने की कोशिश करती गई उतना ही फंसती गई, और अंत में उसका वहीं पर दम घुट गया। और क्या कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी चतुर, घमंडी जो है वो मक्खी, चतुर हाथी, डरपोक शेर, सबसे चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी, आलसी शेर, चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ? हम दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंघा करने, स्कूल की वर्दी पहनने, अपनी बात बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पंक्तियां लाओ, पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने, लीडर यानी कि कैप्टन। उत्तर, हमने बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन और आंचल को लेकर एक टोली बना ली, टोली यानी कि ग्रुप। हमारा लीडर बिरजू है, उसने श्याम को 5 तरह की पत्तियां, रमन को 5 तरह की दाल, अक्षित को 5 रंग की चीजें तथा चंचल को 5 रंग के धागे और स्वयं को 5 तरह के वचन लाने। अक्षित सबसे पहले 5 रंग की चीजें लेकर लौटा और उसने 5 रंगों के ठीक ठीक नाम बताया। इस तरह वह हमारा लीडर बन गया। उसके बाद हमने खेल शुरू कर दिया। शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम है मक्खी, शेर, हाथी और लोमड़ी। अब रास्ता ढूंढो, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? जाले ज्यादा चाहिए, ठीक है, इस पिक्चर में जो भी है। अगर ये रहे जाले, ठीक है, तो 1 से जब आते हैं कितने जाले हैं आपको काउंट करने हैं, 1, 2, ये कट रहा है, दूसरे में यही कट गया है, 1 मिल रहा है, 3, 4, 5, 6, 7। अब 5 नंबर वाले में देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 4 नंबर में, हाँ 4 में ही आएगा सबसे ज्यादा, 4 नंबर वाले में ज्यादा जाले मिलेंगे। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, शेर गुस्से से कांपने लगा। आग बबूला होना यानी कि गुस्से से कांपना। उसकी जरा खबर लो ना, उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास मच्छर, छिपकली, खेतों में टिड्डे, मच्छर, कच्चे पानी के ऊपर मच्छर, मक्खी, फूलों पर तितली, भ्रमर, कचरे के ढेर पर मक्खी, मच्छर, हलवाई की मिठाई पर मक्खी, शहद की मक्खी। कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज के बारे में शेखी बघारता है? उत्तर, मैं एक शेखीबाज को जानता हूं, वह है मेरा पड़ोसी सलीम। वह अपने घर में बहुत अधिक विदेशी चीजें होने की शेखी बघारता है। वह कहता है कि हमारे पास विदेशी टेलीविजन, कैमरा, कपड़े धोने की मशीन, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी
विदेशी है, तो जो ज्यादा बातें करते हैं अपने ही चीजों के बारे में, डेंगे हाँकते हैं, उन्हें शेखी बाज कहा जाता है। आपको शेखी बाज का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे रिपीट कीजिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स को, और लर्न कीजिए, जो जो हो सके आप राइट डाउन भी कर लीजिए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।